अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात की सबसे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? देखिए, हम सुबह से लेकर शाम तक लातदाद बातें करते हैं, बहुत सी गुफ्तगुएं होती हैं, बहुत सा बहस मुबाहसा होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन बात जो इस कायनात के अंदर मौजूद है, जिसको रब्बे कायनात खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इससे बेहतर और कोई बात हो ही नहीं सकती, तो आप जानना चाहते हैं? तो चलिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि उस शख्स से अच्छी बात और भला किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमाल करे और कहे कि मैं तो मुसलमान हूँ। ठीक है ना? अब देखें, ये एक बड़ी वाज़े आयत है। इसके अंदर आपकी आइडेंटिटी बताई कि आपकी आइडेंटिटी मुसलमान है, और बेहतरीन बात वो बात होती है जिससे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और बेहतरीन बात की जाए। उस सारी बातों को जिसमें गइबत है, जिसमें झूठ है, जिसमें मक्कारी है, जिसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम सारा दिन करते रहते हैं और उसका नतीजा कुछ भी निकलता सिवाय बेचैनी के। तो आइए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए, हम अल्लाह की बात करते हैं और उसके साथ साथ अंग्रेजी भी सीख जाएंगे। हमारी नीयत रब को राजी करना है, बाकी देखें क्या कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से हमारा लेसन नंबर टू हम चलेंगे, यूनिक वे टू लर्निंग, लेट्स इंप्रूव इंग्लिश ग्रामर थ्रू कुरान के सिलसिले में आज हमारा लेसन नंबर टू है। और हमारी जो आयात जिसको हम पढ़ेंगे, देखें ये पिक्चर आप देख रहे हैं और कितना खूबसूरत मंजर है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब अल्लाह के रास्ते पर निकलते हैं तो ये जिंदगी भी आपके लिए ऐसी खूबसूरत हो जाती है जैसे जन्नत खूबसूरत है। तो देखिए, ये आज की हमारी आयत ये है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजील अल अजीज़िर रहीम, लितुंज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। इन आयात का हम तर्जमा देखते हैं। अला का मतलब ऑन होता है, पर सिरात का मतलब पाथ, मुस्तकीम का मतलब स्ट्रेट, तंजील का मतलब रिवेलेशन, नाजिल करदा वही को कहते हैं। अल अजीज ऑल माइटी पावरफुल कहते हैं। रहीम का मतलब द मोस्ट मर्सीफुल, बड़ा ही रहम करने वाला है। लितुंज़िरा का मतलब होता है, देखें आप अरबी की वसत को चेक करें, अरबी के अंदर ये वर्ड है लितुंज़िरा। अब ये लफ्ज़ इंजार से निकला है, लेकिन जब लाम साथ लगता है तो उसका मतलब देखें दैट यू मे वॉर्न। अब देखें ये एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जारी बात है ज्यादा दो चीजें मौजूद हैं, ताकि तुम तो सो दैट यू मे वॉर कॉमन अ पीपल। ये एक स्ट्रेंज सी बात है, आ पीपल, पीपल के साथ आर्टिकल इसलिए लगा हुआ है कि एक नेशन की बात हो रही है। मा नॉट उनजरा वर वॉन्ट अबाहुम देयर फोर फादर्स फॉर्म सो दे गाफिलून देयर हीडलेस। इसका हम तर्जमा यूं करके देख लेते हैं कि पहला तर्जमा ऑन अ स्ट्रेट पाथ, अ रिवलेशन ऑफ ऑल माइटी द मोस्ट मर्सीफुल, सो दैट यू मे वॉर्न अ पीपल हुज फोर फादर्स वर नॉट वॉर्न एंड हेंस दे आर अनअवेयर। ये हमारी ट्रांसलेशन होगी। देखिए हम जी ना इस सीरीज के जरिए से चार चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर वन हमारी ट्रांसलेशन है, हमने देखें ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, नंबर वन। दूसरा हम इसकी ग्रामर को फॉलो करेंगे और ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी को फॉलो करेंगे और वोकैबुलरी के साथ साथ कोई डिवाइन मैसेज जो अल्लाह ताला ने हमको दिया हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखें एक पैकेज के अंदर चार चीजों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए जी, पहली ग्रामर का पॉइंट ये है कि ये फ्रेज है। फ्रेज आपको पता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई वर्ब नहीं होता। जैसे देखें ऑन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है। तो देखें ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ए स्ट्रेट आर्टिकल, आर्टिकल का नाउन आता है तो ये एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये एक ये सारी की सारी फ्रेज है। और देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाया। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता, और वो या तो नाउन फ्रेज होती है या प्रेपोजिशन। ऑन चूंकि प्रेपोजिशन है इसलिए इसको प्रेपोजिशन फ्रेज कहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन फ्रेज, पीपी। इसके बाद ये देखिए अ रिवेलेशन ऑफ ऑलमाइटी, ये भी फ्रेज है। देखें ए से आगाज हो रहा है और यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, इसमें कोई वर्ब नहीं है, लिहाजा ये भी एक जो है वो फ्रेज है, लेकिन इसका आगाज चूंकि आर्टिकल से हो रहा है लिहाजा इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। इस तरह से ये देखें सो दैट यू मे वॉन्ट, अब ये जो लव सो दैट है ये कंजंक्शन है, और याद रखिए कि जब कहीं कंजंक्शन आती है उसके बाद क्लॉज आती है, क्लॉज का मतलब होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब होगा। तो यू मे वॉन्ट अ पीपल, तो ये क्लॉज की डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ लिटरल वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इट। तो सो दैट वे यू मे वॉन्ट अ पीपल हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हुज, होम, हु, विच और दैट ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो हुज फोर फादर्स वर नॉट वॉन्ट और एनहेंस लिहाजा दे आर अनअवेयर। और अच्छा, इसके अंदर अभी बी फॉर्म ऑफ वर्ब हम एक डिटेल से पढ़ चुके हैं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब
इज एम आर वॉज वर और वर को कहते हैं, इज एम आर वॉज वर को बी फॉर्म ऑफ कहते, बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अब ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब दो एक्शन में यूज होते हैं, या ये लिंकिंग वर्ब होते हैं या ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है। तो हम यहाँ पे देखें क्या यूज हुआ है, वर, और आप देखें वर्ब के बाद क्या लगा हुआ है, वॉन्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। जब तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में जाता है और सेंटेंस स्पेसिफाइज हो जाता है। दे आर अनअवेयर, अब देखें ये आर लगा हुआ है, ये भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये अनअवेयर चूंकि एडजेक्टिव है लिहाजा ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। लेकिन ये ग्रामर की कुछ चीजें हमने आपसे डिस्कस की, तर्जमा पढ़ा, और इसका जो डिवाइन मैसेज के वाले से ये कुछ चीजें मैं आपको ये बता दूं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का मतलब ये है कि उसके बाद अगला आने वाला वर्ड नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला वर्ड जो है वो हमेशा वर्ब होगा, और जब कभी वर्ब आएगा या तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी या उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि चीजें आपके सामने क्लियर हो रहे। ये एग्जाम्पल ये है, देखें आई एम आर टीचर, तो आप देखें कि एम क्या चीज हुआ, एक लिंकिंग वर्ब हुआ क्योंकि आगे नाउन लगा हुआ है। आई एम ग्लैड, अब ये ग्लैड का मतलब खुश होता है और ये एडजेक्टिव है, लिहाजा ये दोनों लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग, आप देखो कि एम के बाद ये टीचिंग वर्ब है और आई एन जी फॉर्म के साथ है, लिहाजा ये हेल्पिंग वर्ब होगा और ये सेंटेंस एक्टिव वाइज होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी के साथ आपको एक और मजे की बात ये बता दूं, अगर मैं इसी को कर दूं, आई के बाद मैं यहाँ पर एम लगा दूं और आगे थर्ड फॉर्म लगा दूं आई एम टॉट, तो यही सेंटेंस आपका पैसिव वाइज हो जाएगा। यानी पैसिव वाइज का मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगे तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमने देखें चीजों को कवर अप किया, हमने मेन चीज इसमें इज एम आर वॉज वर्ब सीखी, बी फॉर्म ऑफ वर्ब सीखा, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सीखा, और ये हमने आयात कौन सी पढ़ी है जी, हमने ये आयात जो है वो तीन आयात को हमने पढ़ा, तो ये वाली और साथ हमने ग्रामर, तो चार चीजों को हमने कवर किया। ये वोकैबुलरी के वाले से भी अनअवेयर, हीडलेस, इग्नोरेंट, ऑब्लिवियस और अनमाइंडफुल होता है। यहाँ पर वॉर्न का मतलब जो है ना, ये इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में वॉर्न का वर्ड दोबारा आ रहा है तो हम इसको देखेंगे कि वॉर्न की भी वोकैबुलरी कितनी होती है, जैसे नोटिफाई होता है, सजेस्ट, किसके मीनिंग होते हैं। ठीक है जी, आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस शॉर्ट वीडियो, और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे।